जुए में पकड़े गए जुआरियों पर पुलिस गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करेगी। इसके लिए पुलिस तैयारी कर रही है। जुआरियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। थाना सिकंदरा क्षेत्र में पकड़े गए जुआरियों में क्रिकेट सट्टे का बड़ा बुकी संजय कालिया भी शामिल है। पुलिस के अनुसार संजय कालिया सट्टे की बड़ी बुकी चलाता था। कुछ समय से वह पुलिस से बचकर जुआ खिलाने का काम कर रहा था। यह रोजाना अपना ठिकाना बदल देता था और खेल के दौरान सभी के मोबाइल बंद करवा देता था। होटल मालिक को वह जुआ खेलने के लिए मोटी रकम देता था, इसीलिए वह पहरा भी लगवाता था। पूर्व में संजय कालिया वर्ष 2019 में सिकंदरा थाने से NDPS और चोरी की बाइक सहित जेल भेजा गया था। इससे पहले एक हत्याकांड में भी वह जेल जा चुका है। देखिए, कल दिनांक 29 सितंबर 2023 को ACP हरि पर्वत के डायरेक्शन में SHO सिकंदरा ने ऑपरेशन प्लान किया एक सूचना पर, जिसमें होटल शेल्टर में कुछ व्यक्ति बैठ के और हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे थे और 15 अभियुक्त होटल से मौके से गिरफ्तार हुए। होटल में जुआ खेल रहे आरोपितों ने बताया कि पहले दिन होटल में महफिल सजी थी। संजय कालिया ने गारंटी ली थी कि पुलिस नहीं आई, इसी वजह से वह अपने काम छोड़कर जुआ खेलने आए थे। जुए में पकड़ा गया फुरकान मंटोला बड़े बुकी इमरान का भाई है, जबकि हरिशंकर सिकंदरा क्षेत्र के ही बड़े बुकी सुनील झाला का भाई है। महेश पहाड़ी और रूप किशोर शहगल भी बुकी है। होटल मालिक सुमित गौतम भी जुआ खेलते हुए पकड़ा गया है। मौके पे जो फड़ थी उसमें से लगभग 14 लाख रुपए कैश और कुछ ताश के पत्ते बरामद हुए हैं। इनके पास से कुछ फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं, जिसको ये लोग फर्जी आइडेंटिटी के लिए यूज़ करते थे। 5 गाड़ियां और बरामद हुई हैं, जिनको MV एक्ट के अंतर्गत सीज कर दिया गया है। और जो परिसर था होटल और होटल मालिक पे भी पुलिस आयुक्त महोदय आगरा के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग सर फरार भी दिखाए जा रहे हैं। इसमें 3 अभियुक्त हैं जो मौके से फरार हो गए हैं, उनको भी इस मुकदमे में नामित किया गया है और बहुत शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सिकंदरा क्षेत्र में होटल में बड़े जुआरी दांव लगा रहे थे। यह होटल अकेला नहीं है, शहर में ऐसे कई होटल हैं जहां जुआ की महफिल सजती है। सिकंदरा क्षेत्र में जिस होटल में जुआ पकड़ा गया है वह पहले से ही बदनाम है। इसके साथ ही ताजगंज क्षेत्र के कुछ होटलों में भी जुआ होता है। कई बार पुलिस यहां से जुआ पकड़ चुकी है, मगर कठोर कार्रवाई न होने के कारण दोबारा जुआ शुरू हो जाता है। देखिए, इसमें जो सभी व्यक्ति हैं इनका एक आपराधिक इतिहास है। पहले भी सट्टा खेलने का इन पे मुकदमा लग चुका है। कुछ के प्रति कुछ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। तो ये सभी अभ्यस्त अपराधी हैं और इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे गुडवर्क के लिए इस टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये कैश का रिवॉर्ड दिया गया है। पुलिस के छापे के बाद होटल शेल्टर को सील कर दिया गया है। इंस्पेक्टर आनंद कुमार शाही ने बताया कि होटल के लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट दी गई है। पकड़े गए अभियुक्तों पर पुराने मुकदमों की जानकारी ली जा रही है। गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।